हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे, आप देख रहे हैं खबर गरम है। कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन 4 की शुरुआत की गई है। नई गाइडलाइंस के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया गया, लेकिन लॉकडाउन का कितना असर लोगों पर दिख रहा है, लॉकडाउन का पहला दिन कैसा रहा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हो रही है। अभी तक 90,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ा दिया। लॉकडाउन 4 की शुरुआत 18 मई से हो चुकी है, जो 31 मई तक चलेगा। इस बार लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि लॉकडाउन 4 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। हम आपको बता दें, किस लॉकडाउन में किस क्षेत्र में राहत मिली है। लॉकडाउन 4 में सुबह 7 बजे से 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। कम कर्मचारियों के साथ सरकारी प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा होगी। राज्य सरकारों की सहमति से बसें चलेंगी। सैलून खोलने का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खुल सकेंगी इंडस्ट्रीज। निर्माण कार्यों को शुरू करने की दी गई इजाजत। कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसे कामकाज को मंजूरी। बगैर दर्शकों के स्टेडियम खोलने की अनुमति। ई कॉमर्स से ज्यादातर सामानों की डिलीवरी। 50 लोगों के साथ विवाह समारोह आयोजन। अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल। अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 4 में क्या बंद रहेगा। सामान्य ट्रेन सेवा बंद रहेगी। पूरे देश में मेट्रो भी नहीं चलेगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे। जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क, बार नहीं खुलेंगे। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी रहेगी। राजनीतिक कार्यक्रमों की इजाजत नहीं होगी। हरियाणा में लॉकडाउन 4 का पहला दिन कैसा रहा, उसका अंदाजा आपको हिसार की इन तस्वीरों को देखकर लग जाएगा। कहीं तो लॉकडाउन का पालन हो रहा है, लेकिन कहीं लोगों को लगने लगा है कि उन्हें अब इससे राहत मिल गई। लॉकडाउन के चौथे फेज में लोग इससे बेपरवाह नजर आ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में चौथा लॉकडाउन का चरण शुरू हो चुका है, लेकिन उकलाना की अगर हम बात करें तो यहां पर किसी प्रकार के ना तो लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और ना सोशल डिस्टेंस का। बैंकों पर देख रहे हैं तो लंबी लंबी कतारें लग रही है और ना वहां पर किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। प्रशासन की भी बात करें तो प्रशासन इतने सख्ते में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अनुमति दी गई है लोगों को, उसके बाद बाजार खुल चुके हैं और लोगों का आवागमन हो चुका है। इसके अलावा शहर और बाजारों में घूमने वाले लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम फिलहाल ऑरेंज जोन में है, लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि गुरुग्राम कहीं रेड जोन की श्रेणी में ना आ जाए। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 1 और 2 में तो सब कुछ सही रहा, लेकिन लॉकडाउन पार्ट 3 में लोगों ने नियमों की अवहेलना शुरू कर दी थी और लॉकडाउन 4 में भी ऐसे ही कुछ हालात नजर आ रहे हैं। रविवार शाम को केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया। ये अवधि अब 31 मई तक लागू रहेगी। साथ ही राज्य सरकारों को ये छूट दी है कि वो निर्धारित करें रेड, ग्रीन और ऑरेंज। लॉकडाउन पार्ट 1 और 2 में लोगों ने खासा पालन किया लॉकडाउन का। जो नियम बनाए गए थे उनका पूरी तरह से अनुपालना की गई। लोग अपने घरों में कैद रहे, अपने आप को आइसोलेटेड रखा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन पार्ट 3 में रियायतें दी गई, लोगों ने नियमों की धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दी। अब जबकि आज लॉकडाउन पार्ट 4 शुरू हो रहा है, तो अब ये देखना होगा कि किस तरह लोग अब इन जो नियम बनाए जाएंगे सरकार के, उसका किस तरह से अनुपालन करती है।
रतिया में भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। रतिया की सड़कों को देखकर लगने लगा है कि यहाँ लोगों को अब लॉकडाउन से फर्क नहीं पड़ता। लोग मार्केट में घूम रहे हैं, लोगों के चेहरों पर ना तो मास्क और ना ही कपड़ा। चौथे लॉकडाउन की घोषणा की गई है जो 31 मई तक रहेगा। वहीं राज्य सरकारें इसको लेकर अभी फैसला कर रही हैं, इसको लेकर नई गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई। रतिया की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं कि रतिया में वही दुकानों के खुलने का समय है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अलग अलग दुकानों की कैटेगरी तैयार की गई है, एक दिन हलवाई की दुकान, मिठाई की जो दुकान है उसके साथ कपड़े की दुकान, अलग अलग दुकानों की कैटेगरी यहाँ पे प्रशासन द्वारा जारी की गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान आप देख सकते हैं फतेहाबाद रोड, बुढ़लाडा रोड और टोहाना रोड के ऊपर वाहनों की कतार लगी हुई है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं क्योंकि मास्क नहीं लगाए कई लोगों के। बात करें रोहतक की तो रोहतक में भी लॉकडाउन 4 का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। आप बिल्कुल देख सकते हैं सड़क के ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पर कि लोग जो है आवागमन कर रहे हैं, रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए लोग जो है अपने घरों से निकलकर भी जा रहे हैं। और आपको दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाने, ये पीछे की तरफ आप देखेंगे रोहतक शहर के अंदर जो चौक आ रहा है वो चौक भी आपको नज़र आ रहा है। केवल और केवल जो है लोग अपनी रोज़मर्रा की जरूरतों की पूरा करने के लिए जो है घरों से निकल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी जो है जिन्हें कोई काम नहीं है, कोई किसी प्रकार से कोई बात नहीं करनी, किसी प्रकार से किसी काम के लिए बाज़ार नहीं आ रहे, लेकिन वो बाज़ारों में घूमते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जिला प्रशासन की बार बार अपील भी जो है लोगों के ऊपर कोई असर नहीं करती दिखाई दे रही है। लोग कोरोना जैसी महामारी को हल्के में लेकर के बैठे हैं। बहरहाल सरकार ने एक बार फिर 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है। हालांकि लॉकडाउन 4 का असर लोगों पर कम दिखने को लगा है लेकिन जनता को यह समझना होगा कि अगर कोरोना को खत्म करना है तो लॉकडाउन का पालन सख्ती से करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।